जरा एक बार सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटेड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना। बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आके देखना, आप खुद हमें थैंक यू लिख के जाओगे। बस अगले 7-8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नजरों में क्या, खुद की नजरों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो कर पाए, या कोई हमसे कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है पर आपका ये फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फोन पे बिताते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये वीडियो अभी शुरू ही हुई है लेकिन आपका इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा या दूसरी वीडियो देखने का आप सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, अब नहीं है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नोफैप। नोफैप एक मिथ है, क्या ये सच में काम करता है? मैस्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल हैं, जवाब बस एक, इतना मत सोचो वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नोफैप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की भेजी हुई वो रील देख ली, या फिर सिर्फ किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है ना माहौल, बस अपना फोन हाथ में लिए चल देते हैं बाथरूम में। चलो फोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार को खुद को बचा लोगे लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसी के लिए नोफैप को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे आप उतनी बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पॉर्न और मैस्टरबेशन को अवॉइड करना है और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक हस्बैंड अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेस है जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है, एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है।
इसीलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ, अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है, फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है, जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है, आपको उस गिलास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये गिलास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा, और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवरथिंकिंग इसी पानी के ग्लास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा, जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवरथिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वही रोक के अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो, डोंट थिंक जस्ट डू। अपनी ओवरथिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है, और बस जो काम कर रहे थे उस पे वापस लग जाओ। अब जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवरथिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदल रहा है। अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना कि कैसे ओवरथिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवरथिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवरथिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, तो इसे जरूर रोज प्रैक्टिस करना।